हेलो फ्रेंड्स, मधु नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए शूरशी बुनाई लेके आई हूँ। इस बुनाई में 7 के मल्टीपल फंदे पड़ते हैं, 7+2 एज इट इज के फंदे। और तो चलिए अब इसको बनाते हैं हम। ये देखिए, पहले एक एज इट इज का फंदा उतार दिया, फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। अब धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। तो देखिए फ्रेंड्स, यही हमारा इसको एज इट इज को छोड़ के यही पैटर्न पूरी सिलाई में रिपीट हो जाएगा। तो देखिए अब कैसे, अब 3 फंदे फिर से सीधे, तो बीच में हो जाएंगे 6 फंदे, 1, 2, 3। ये देखिए, जब यही पैटर्न रिपीट करेंगे तो बीच में 6 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। अब 1 उल्टा और 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 उल्टा। तो यही पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे। 6 फंदे ऐसे हो गए क्योंकि यहाँ से हमारा पैटर्न फिर से रिपीट हो जाएगा, तो 3 और 3 मिला के 6 हो गए फंदे, ठीक है। चलिए करिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम उल्टे साइड आ गए, तो उल्टे साइड में जैसे जो फंदा दिखेगा वो वैसे ही करेंगे। एक तो एज इट इज का, अब ये 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3। अब ये बीच में एक फंदा उल्टा था तो ये सीधा हो गया यहाँ पे। अब फिर से 1, 2, 3। तो यही पैटर्न अब फिर से रिपीट होगा, 3 फंदे उल्टे, 1 सीधा, 3 फंदे उल्टे। तो 1, 2, 3, ये 3 उल्टे, 1 सीधा, फिर से 3 उल्टे, 2, 3। चलिए ये पैटर्न हम अपना फिर से रिपीट करते हुए पूरी सिलाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड, उल्टी सिलाई निकाली। अब थर्ड रो भी हमें फर्स्ट रो के तरह निकालना है। 1 स्लिप, 3 फंदा सीधा बुना। बहुत ही इजी बुनाई है फ्रेंड्स, ये बिगनर्स भी आराम से बना लेंगे। अब 1 उल्टा, फिर 3 सीधे, 1, 2, 3। अब वही पैटर्न फिर से रिपीट हो जाएगा, यही पैटर्न हमारा। तो देखिए, 1, 2, 3, ठीक है। धागा उल्टा अपने साइड, फिर ये 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बीच में कितना हो गया हमारा फंदा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः फंदे सीधे, 1 उल्टा, फिर 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 6 सॉरी नहीं, अब ये 2 पैटर्न कंप्लीट हो गया हमारा, फिर से रिपीट हो गया। अब यहाँ से फिर से हमें 3 से 3 रिपीट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से बीच में 6 फंदे सीधे, 1 उल्टा, 6 सीधे, 1 उल्टा आएगा। तो चलिए करते हैं, और उल्टी रो भी जैसी जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा करेंगे। अब देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए हम, तो उल्टी सिलाई में भी जो जैसा फंदा दिखेगा हम वैसा ही बुनेंगे। जैसे 3 उल्टे दिख रहे हैं, 1 स्लिप किया और 3 उल्टे, और ये उल्टा फंदा पीछे बैक साइड सीधा हो जाएगा, और ये 3 उल्टे। यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम 4th सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है उल्टे साइड भी। अब हम 5th सिलाई पे आए हैं, तो 5th सिलाई पे हमारी बुनाई पड़ेगी। एक तो एज इट इज का फंदा, ठीक है।
अब दो फंदे सीधे, ये ले लिए दो फंदे सीधे हमने। अब जो ये इसको छोड़ के ये उल्टा जो फंदा है इसको चार सिलाई नीचे से लेना है हमको। ये देखिए पीछे इसमें से ये दिख रहा है लास्ट पे, यहाँ से ऐसे करके एक लूप लेना है। ठीक है, ये लूप ले लिया हमने है। अब एक फंदा सीधा, सीधे को सीधा बनाया और ये उल्टे को उल्टा बनाया और एक फंदा सीधा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अब हमें क्या करना है, वापस से इसी उल्टे फंदे के लूप से जहाँ से पहले लिया था हमने वहीं से एक लूप और ले लेंगे। ये ले लिए, थोड़ा लूज रखिएगा इसको, इस तरीके से थोड़ा लूज रखेंगे इसको, ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे। ये इस तरीके का हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये ऐसे हो गया। अब दो फंदे सीधे, ये देखिए अब यही पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यही पैटर्न फिर से रिपीट होगा, दो फंदे सीधे, फिर ये दो फंदे सीधे हो गए, फिर यहाँ से सेंटर से लेंगे, फिर दो फंदे। देखिए बता देती हूँ, दो फंदे सीधे, एक दो। ठीक है, अब ये लास्ट से चार फंदे सिलाई से लास्ट से इसमें से निकालेंगे उल्टे फंदे से लूप, थोड़ा लूज रखिएगा। अब देखिए ये सीधे को सीधा बनाया हमने, एक सीधा, उल्टे को उल्टा और एक सीधा फंदा। ठीक है, अब वापस से इसी उल्टे फंदे से हम एक लूप और निकालेंगे। ये देखिए ये हो गया, निकल आया हमारा। अब ये दो फंदे सीधे। तो फ्रेंड्स यही हमारा पैटर्न बार बार रिपीट होगा इसी तरीके से, दो फंदे सीधे, फिर लूप, फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, फिर से वापस से उसी से लूप। तो चलिए ये सिलाई पांचवीं कंप्लीट करते हैं हम अपनी। देखिए फ्रेंड्स, हम अपने सीधी सिलाई पे, उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब ये कैसे, एक तो एजिटेज का फंदा और एक हमने उल्टा बनाया। अब देखिए इसको और इसको हमको ऐसे स्लिप करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको बैक लूप से धागा अपनी साइड ही रखना है और इसको बैक लूप से ऐसे उल्टा बना दिया। ये हमारा ऐसे पत्ती लीफ की शेप ले लेगी हमारी पत्ती। अब हमें क्या करना है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ये तीन फंदे लेने हैं बीच में। ठीक है, अब हम फिर से इसको दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। इसमें हमें बैक लूप से नहीं लेना है क्योंकि ये हमारा फंदा सीधा ही है, ये फंदा पलट गया है इसलिए इसको हमें सीधा करना होता है। ठीक है, अब हम एक फंदा लेंगे फिर से सीधा उल्टा। अब यहीं से हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा पूरा एक पैटर्न। अब इसको फिर से रिपीट करेंगे तो एक फंदा और सीधा लेंगे ऐसे। अब देखिए इसको हम ऐसे सीधा करेंगे ऐसे और बैक लूप से उल्टा ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा सीधा हो गया फंदा। अब फिर से एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा ऐसे और ये देखिए ये लूप वाला है और ये पीछे वाला है, तो ये दोनों मिला के हम एक फंदा कर देंगे। ठीक है, ऐसे आ जाएगा हमारा ये डिजाइन। अब एक फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स यही हमारा पैटर्न रिपीट होगा पूरी सिलाई में। ठीक है, इसी पैटर्न को हम पूरी सिलाई में अपने रिपीट करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बुनाई उल्टी साइड निकाल के आ गए हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, सिक्स रो की बुनाई है तो
तो अब आगे डालने के लिए हमें क्या करना है, रो फर्स्ट और सेकंड हमें स्किप करनी है और थर्ड रो से इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, एक स्किप किया, अब तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, ये तीन फंदे सीधे कर दिए, ये एक उल्टा, ठीक है, फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। तो देखिए फ्रेंड, यही पैटर्न हम फिर से रिपीट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, तो इसको मिला के हमारे बीच में इस उल्टे को छोड़ के एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे सीधे हो जाएंगे बीच में, और एक उल्टा, और फिर से एक दो तीन। तो फ्रेंड्स यही हम पूरा पैटर्न रिपीट करेंगे अपना। चलिए कर, अब देखिए फ्रेंड्स फोर्थ रो हमारी आ गई है ये। तो फोर्थ रो में जो जैसा फंदा दिखेगा हम वैसा ही करेंगे। तीन फंदे उल्टे, एक सीधा, फिर से तीन फंदे उल्टे, एक पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब फिर से रिपीट, एक दो तीन उल्टे, एक सीधा, तीन उल्टे, यही पैटर्न हम पूरी सिलाई रिपीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी फिफ्थ रो पे आ गए। तो इसमें हमारी बुनाई बुनेगी, एक स्लिप, एक फंदा हमने बुना, ठीक है, दो फंदे बुने मैंने ये, अब एक सीधा बचा। तो ये इसके बीच में हम चार सिलाई नीचे से लेंगे, एक दो तीन चार, ये यहाँ से, ठीक है, चार सिलाई नीचे से लूप लेंगे, ऐसे थोड़ा लूज रखेंगे इसको, और एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से हम इसी लूप से निकाल के ले जाएंगे एक लूप, थोड़ा लूज रखेंगे इसको, खींच लीजिए थोड़ा सा जिससे आपका लूज हो जाए, टाइट ना हो, और फिर से एक सीधा, एक नींद, अब दो फंदे सीधे। तो ये एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से फिर से हम दूसरा पैटर्न करेंगे, तो दो फंदे फिर से सीधे, अब ये चार फंदे नीचे से, एक दो तीन चार, यहाँ से लूप निकालेंगे, ये देखिए लूज रखेंगे लूप को, और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और एक फंदा सीधा, और फिर से उसी जगह से लूप निकालेंगे जहाँ से पुराने से पहले निकाला था हमने, और इसको लूप को लूज छोड़िए। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको खींच लीजिए, ठीक है, तो ये लूप लूज हो, और फिर से दो फंदे हमारे सीधे। तो देखिए फ्रेंड्स ये पैटर्न हमारा इसी तरह से रिपीट होगा, फिर से दो फंदे सीधे, फिर लूप निकलेगा, फिर दो फंदे सीधे, इस तरीके से। तो चलिए कर, देखिए फ्रेंड्स हम अपनी सिक्स रो पे आ गए हैं उल्टे साइड। अब ये एजिटेज का फंदा तो हमने स्लिप किया, अब दो फंदे हमने बनाए उल्टे, अब ये लूप वाला और लूप के आगे वाला फंदा, इसको हमने ऐसे स्लिप करके सीधा किया, ठीक है, अब इसमें आके और बैक लूप से हम इसको बना देंगे इस तरीके से। अब एक फंदा सीधा, ये जो दिख रहा है हमारा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा फिर से सीधा, ठीक है, ये देखिए। अब इसको ये देखिए, ये दोनों को हम एक कर देंगे इस
ओके। अब दो फंदे फिर से उल्टे, एक दो, ये रो हमारी सिक्स के जैसी बनेगी, ये देखिए। अब हम इसको फिर से सीधा करेंगे फंदा ऐसे करके, और इस तरीके से और बैक लूप से इसको इस तरीके के बनाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा उल्टा फंदा एक, ये सीधा फंदा, और ये दोनों उल्टे फंदे। इसी तरीके से हम अपना ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं इसको हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी सिलाई निकल गई और हमारी बुनाई इस तरीके की आई है। तो बहुत ही सुंदर लगती है बुनाई। तो इसमें मैं थोड़ा आपको एक दो पैटर्न और बना के दिखा दूँगी, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो आप ऐसे ही बनाते जाइए। अब इसमें फिर से थर्ड रो से स्टार्ट होगी, थर्ड रो से फर्स्ट सेकंड हम स्किप कर देंगे, और फिर से थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो पे ये बुनाई पड़ेगी, और सिक्स पे ये फंदे बंध जाएंगे। तो इसी तरीके से चलिए करते हैं हम, और आपको दिखा देते हैं बना के। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने बना लिया बुनाई, थोड़ी सी और बनाई है तो इस तरीके की दिख रही है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बुनाई लगती है, देखिए कितनी सुंदर बुनाई आई है। आप इसको किसी में भी डाल सकते हैं, कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में थोड़ी थोड़ी करके डालिए, बहुत सुंदर लगेगी। और बैक साइड से ये इस तरीके की दिखती है, देखिए बैक साइड से भी समझ में आ रही होगी आपको। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप ये वीडियो मेरा देख के बनाते हैं तो मेरे साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू, और आगे भी आप मेरे लिए प्यार और सपोर्ट देते रहिए, जिससे मैं और अच्छी अच्छी बुनाइयाँ ला सकूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।